आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां जाकर हरबीर सिंह सर्च करें। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह, आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइज, अगर आप थंबनेल या कवर फोटो देख के आए हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशखबरी की बात है आप लोगों के लिए कि जो DSSB है जल्दी ही न्यू रिक्रूटमेंट निकालने वाला है, और जो ये अभी वैकेंसी चल रही है शायद तो इनसे पहले ही एक नोटिस और डाल दे, तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या सिचुएशन है, ये वैकेंसी क्यों निकाली जा रही है, इनका क्या रीज़न है। तो अभी आपको मैं नोटिस बता देता हूँ, नोटिस में क्या है, DSSB की तरफ से एक नोटिस आया है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ एक बार, तो आप देखिए। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये 8/11/2018 को नोटिस आया था, और इस नोटिस में क्या था कि 10,155 जो पोस्ट हैं वो खाली हैं TGT की। तो DSSB क्या कर रहा है कि जो असिस्टेंट टीचर हैं MCD DOE में, लैब असिस्टेंट हैं, तो उनको क्या कर रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं। लेकिन प्रमोशन भी क्या है कि 1900 जो है उनको ही मिल पाएगी, मतलब 1900 को ही प्रमोशन मिल पाएगी। तो इसके बाद इसमें क्या है, 8,282 जो पोस्ट हैं वो खाली हैं, और इसके लिए DSSB जल्दी ही रिक्रूटमेंट निकालने वाला है, नोटिस निकालने वाला है। हो सकता है कि ये पोस्ट जो अभी TGT की जो पोस्ट है उनमें ही ऐड कर दी जाए, लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि ये जो पोस्ट है दोबारा से रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, PRT की भी सुनने में आ रहा है कि जल्दी ही उसकी भी वैकेंसी निकाली जाएंगी। अब देखते हैं कि PRT की वैकेंसी DSSB कितनी निकालता है, लेकिन इसके लिए नोटिस दिया गया है कि 8,282 अभी कितनी जल्दी पास होके वैकेंसी आती हैं ये देखने वाली बात है। तो गाइज, DSSB से जुड़ी हुई हर खबर पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं हमें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइज, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।